तो चैप्टर नंबर 12 है बच्चों, डेजलिंग फैब्रिक्स, मतलब हम यहाँ पर तरह तरह के कपड़ों के बारे में जानेंगे। इंडियन फैब्रिक्स, जो इंडियन फैब्रिक्स होते हैं, कपड़े होते हैं, आर पॉपुलरली पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड, वो पूरे संसार भर में पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए इंडिया इज़ टर्म्ड एज द अल्टीमेट शॉपिंग पैराडाइज, इसीलिए इंडिया को बहुत अच्छी शॉपिंग करने की जगह भी माना जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ द मोस्ट ट्रेंडी फैब्रिक्स, इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंडी फैब्रिक्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उनके बारे में बताया गया है। रीड एंड गेस द नेम ऑफ द फैब्रिक, हमें पढ़ना है और फैब्रिक का जो नेम है उसे गेस करना है। तो चलिए, यूज़ द क्लू बॉक्स फॉर हेल्प, हमें यहाँ पर आगे क्लू बॉक्स भी दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर क्लू बॉक्स भी दिए हुए हैं, हम इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फैब्रिक इज मेड बाय इंटरवीविंग गोल्ड थ्रेड्स, इसमें इसकी बुनाई में, इसकी इंटरवीविंग में गोल्ड थ्रेड्स का यूज़ होता है एंड कलर्ड सिल्क का भी यूज़ होता है, विच आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, जो बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं और फैसिनेटिंग लगते हैं, अपनी तरफ मोहने वाले लगते हैं। तो ये फैब्रिक कौन सा है बच्चों? दिस इज कॉल्ड बनारसी फैब्रिक। ओके, तो ये फैब्रिक है बनारसी फैब्रिक। दिस यूनिक फैब्रिक, आई एम स्टार्टिंग अगेन। दिस यूनिक फैब्रिक, ये जो यूनिक फैब्रिक है, इसके टू फेसेस हैं। एक आउटर साइड से ये सिल्क लगता है और रिवर्स साइड से ये कॉटन लगता है। तो ये है बच्चों मशरू। ओके, इसे कहेंगे हम मशरू। आगे चलते हैं। यस, इट इज डेंसली पैटर्न्ड हैवी फैब्रिक, ये एक बहुत पैटर्न है, इस पर बहुत ज़्यादा गहरे पैटर्न है, ये हैवी फैब्रिक है, विद नो फ्लोट्स, इसमें फ्लोट्स नहीं होते। ऑन द रिवर साइड्स द अनयूज्ड थ्रेड्स आर वूवन इनटू द फाउंडेशन एट द बैक, पीछे इसकी फाउंडेशन पर अनयूज्ड थ्रेड्स को बुना जाता है। दिस हारमोनियस ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड चाइनीज स्टाइल वॉज ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम चाइना, ये फैब्रिक इंडिया लाया गया था चाइना से, ये एक ब्लेंड है इंडियन और चाइनीज स्टाइल का। तो ये है यहाँ पर तानचोई, इसको हम लिखेंगे तानचोई। दिस फैब्रिक इज वैल्यूड फॉर इट्स प्योरिटी एंड टेक्स्चर, इसकी वैल्यू की जाती है, इसकी कीमत होती है इसकी प्योरिटी और इसके टेक्स्चर की वजह से। ये नेचुरल शेड्स में अवेलेबल होता है और ये लिया जाता है कुकून से, स्पेशली ग्रोन ऑन अर्जुन, सजा और साल के वृक्षों पर जो कुकून होता है उससे ये फैब्रिक प्राप्त होता है और इसीलिए ये इतना कीमती होता है। तो ये है हमारा फोर्थ नंबर का फैब्रिक टसर। ओके, सो ये है हमारा फोर्थ नंबर का फैब्रिक टसर। दिस ब्यूटिफुल फैब्रिक कंबाइंस ब्यूटी, ये ब्यूटिफुल जो फैब्रिक है ये कॉम्बिनेशन है ब्यूटी का, स्ट्रेंथ के साथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ। ओके, सो ये रॉयल और एग्जॉटिक फैब्रिक इज वॉशेबल एट होम, ये एक रॉयल फैब्रिक है लेकिन हम इसे घर पर भी धो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मूगा। ओके, दिस इज मूगा फैब्रिक। दिस फैब्रिक डेजल्स द आईज विद इट्स रिच टेक्स्चर, ये हमारी आँखों को चौंधिया देता है अपने रिच टेक्स्चर से, कलर से और फैबुलस डिजाइन से। दिस इज द लास्ट फैब्रिक कांजीवरम, इसकी बहुत सुंदर सुंदर बच्चों साड़ियाँ आती हैं, राइट? कांजी
वरा। तो अब आपने ये सारे अपनी बुक में भी लिख लेने हैं और इन्हें लर्न भी करना है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।